श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जब तक हमारे दिमाग में ये कीड़ा बैठा हुआ है कि मुझे समझ में आया या मुझे समझ में नहीं आया, तो दोनों ही गलत है। क्योंकि क्या बताया था, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः, कि वहां इंद्रियों का व्यापार नहीं है, कर्मेंद्रिय का व्यापार नहीं है, मन का व्यापार नहीं है, बुद्धि का व्यापार नहीं है। तो फिर आपको समझ में कैसे आया? देखो, भौतिक क्षेत्र में जब विद्यार्थी कहता है कि मुझे ठीक समझ में आ गया, तो टीचर उसको कांग्रेचुलेशन देते, बहुत बढ़िया, तुम इंटेलिजेंट हो, तुमको समझ में आ गया। यहां उल्टा है। तो कल हमको किसी ने एक प्रश्न दिया, उन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं। नाम नहीं लिखा, पता नहीं कौन है, अनामिका। क्या आध्यात्मिक साधन मनुष्य को डिस्पैशनेट बनाती है? प्लीज मेक द कंसेप्ट ऑफ डिस्पैशनेट मोर क्लियर। क्या अध्यात्म में इमोशन की कोई जगह नहीं है? सुबह में उपनिषद में आप स्वचिंतन पर बल देते हो और शाम को गीता में भक्ति योग, ठाकुर की लीला, नाम रूप गुणधाम का चिंतन, दोनों विरोधी प्रतीत होते हैं। कुछ न सोचना और ठाकुर की लीलाओं का चिंतन करना उल्टा लगता है, तो हमको मदद करिए। इसी को लेकर के ये मंत्र है, यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वित्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथ नो मीमांसमेव ते मन्ये विदितम्। पेज नंबर 61 पहला मंत्र है। हमारे बात दोहराइएगा, इसलिए हम दोहराते हैं कि हर एक के हाथ में पुस्तक होना जरूरी है, और इसलिए दोहराते हैं कि आप सो नहीं रहे। आदमी ने तो बड़ा आलसी बन जाता है, थोड़ी सी मेहनत किया करो। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वित्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथ नो मीमांसमेव ते मन्ये विदितम्। एक होता है अध्ययन करके ज्ञान का प्रभाव अपने जीवन में उतारना, दूसरा होता है इधर से सुना इधर से निकाल दिया, असंगोहम 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 पुनः पुनः। देखो, इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम इसका अध्ययन करें। देखो, तबला पेटी का सत्संग में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां टाइम पास करना है या सीखना है, समझना है। इसीलिए जब ये सब सुना, यन मनसान मनुते ये न आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगमश पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। 5 बार उन्होंने कहा और विद्यार्थी कहता अब समझ में आ गया। क्या समझ में आया? देखो, ध्यान से सुनना। समझ में ये आया कि जो मन के द्वारा चिंतन करने योग्य नहीं है
और जिसके कारण मन में चिंतन करने की क्षमता होती है वह ब्रह्म है। समझ में आ गया, यही तो बताया था। जब गुरु महाराज ने यह बताया तब ठीक था, शिष्य जब यही कहता है तो गलत है। देखो गुरु ने तो यही कहा था ना, फिर क्या गलत है? ये मालूम है कैसे गलत है, एक उदाहरण देते हैं हम आपको। एक बार हम बच्चों के क्लास में कहीं उनको पंचमहाभूतों के बारे में बता रहे थे, तो बताया देखो पांच महाभूत होते हैं। पहला पृथ्वी, देखो मिट्टी है ना, इसको पृथ्वी कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद पानी, फिर पानी गिरा के देखो ये पानी पंचमहाभूत है। आइए प्रभु। उसके बाद अग्नि, तुरंत वहां लाइटर जला दिया, देखो इसको अग्नि कहते हैं। फिर वायु, ऐसे ऐसे करो अपने हाथ पर कुछ लगा, हाँ उसको वायु कहते हैं। अब आकाश, आकाश क्या है? देखो मेरे ये दो उंगलियों के बीच में क्या है उसको आकाश कहते हैं। आ गया समझ में? हाँ आ गया। और फिर हमारे क्लास खत्म हो गए, किसी के आप नाश्ते के लिए गए, हमको वही करना पड़ता है, दिन में तीन बार तीन घरों में खाना है और पेट का सत्यानाश करना है, ये हमारी साधना है। और यही नहीं, हमको वो अच्छा कहना पड़ता है, घटिया खिलाएंगे कहेंगे अच्छाई के लिए। अब कितने बार आदमी झूठ बोले। तो वहां गए हम नाश्ते के लिए, तो उस बच्चे की माँ ने पूछा, बेटा तुमने स्वामी जी से क्या सीखा? बोले मम्मी तुमको पता नहीं, स्वामी जी ने हमको पंच महाभूत बताए। अच्छा बताओ। तो जैसा जैसा हमने किया था बच्चे ने बताया, इसको पृथ्वी कहते हैं, टेबल पर मिट्टी डाल दी। इसको पानी कहते हैं, टेबल पर पानी सब जगह फैला दिया। इसको अग्नि कहते हैं, कैंडल लगा कर हमें जलाना मत, कुछ इधर ही रखो, कैंडल जला के दिखा दी। हवा, फैन ऑन, देखो ये हवा आ रही है ना, फू करो, इसको हवा कहते हैं। अब आया सवाल आकाश का, आकाश कैसा है, आकाश कैसा है? स्वामी जी, स्वामी जी आप ऐसा करो ना। तो मैंने ऐसा किया, स्वामी जी के उंगली के बीच में जो है वो आकाश है। देखो उसको क्या लगा, मुझे समझ में आया। ठीक है, समझ में आना हुआ। इसी प्रकार से देवेशु, माने हमने तत्व को इंद्रियों के संदर्भ से ही समझा है, ये ऐसे हो गया। और हम दो उदाहरण देंगे, फिर ये दिमाग में बात बैठी तो भगवान की कृपा है। एक बार एक स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर सोच रहे थे कि बच्चों को इंटरेस्ट कैसा दिलाया जाए, इंटरेस्ट नहीं लेते बच्चे। तो वो एक बड़े बर्तन में, कटोरी में चॉकलेट ले गई। बच्चे देख के खुश, चॉकलेट आ गई, आज तक चॉकलेट मिलने वाली है। और वो टीचर को पढ़ाना था गणित, एक जमा एक माने दो, तो उसे दिखाना शुरू कर दिया। देखो बच्चों, इसको कहते हैं एक, कहो मेरे बात, एक चॉकलेट। तो बच्चे कहते एक चॉकलेट, फिर दूसरी चॉकलेट दिखाई। देखो इसको कहते एक चॉकलेट, कहो। फिर बच्चे कहते एक चॉकलेट, फिर दिखाया एक जमा एक माने दो चॉकलेट्स। बच्चों ने कहा एक चॉकलेट जमा एक चॉकलेट माने दो चॉकलेट। देखो कितना एम्फसिस बदल गया। वो टीचर पढ़ा रही थी एक जमा एक यानी दो, और बच्चों का ध्यान था चॉकलेट पर। और पढ़ाने के बाद फिर टीचर ने एक बच्चे को पूछा, आप तुमने सीख लिया? बताओ। मैंने तुमको दो चॉकलेट दिए, तुम्हारे दोस्त ने तुमको दो चॉकलेट दिए, तो तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो गए? बोले पांच। बोले पांच कैसे? फिर बता दियो। मैंने दो दिए,
तुम्हारे दोस्त ने दो दिए तो कितनी चॉकलेट होगी तुम्हारे जेब में? वो कूल है लड़का, पांच। पांच कैसे? बोले एक मेरे जेब में है। अब वो टीचर का ध्यान था गणित की तरफ और विद्यार्थी का ध्यान कहाँ है? चॉकलेट की तरफ। इसी प्रकार से यहां उपनिषद तत्व की बात कर रही है और हमारे खोपड़ी में क्या आया है? ये जिसके द्वारा मन चिंतन करता है, लेकिन जिसका चिंतन मन के द्वारा नहीं होता वो परमात्मा है। तो हम अपने मन में फंसे, मैं चिंतन किसका करता हूं? अरे राम 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 राम। जो आंखों का विषय नहीं है लेकिन जिसके कारण आंखों में देखने की क्षमता आती है वो ब्रह्म है, तो हम आंखों में फंसे हैं। इसीलिए कहते हैं जो तुमने समझा धर्मेवापि नूनं त्वं वित्त ब्रह्मणो रूपम, तुमने खाक समझा है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। ये जो प्रश्न पूछा था ना कि सुबह में कहते हैं कि चिंतन करो, डिस्पैशनेट रहो, इमोशन में फंसो मत, और शाम को कहते हैं भगवान के नाम से रो। देखो देखो संतो, डिस्पैशन का तात्पर्य क्या है? उसके लिए अटैचमेंट या आसक्ति किसको कहते हैं ये समझ ले। आसक्ति माने जिस भी विषय के प्रति हमारे मन में ज्यादा से ज्यादा विचार प्रकट होते हैं उसके प्रति हम आसक्त है। जिसके प्रति हमारे मन में कम से कम विचार प्रकट होते हैं उतनी आसक्ति कम है, और जिस विषय में हमारे मन में एक भी विचार नहीं उठता वहां हमारी आसक्ति है ही नहीं, उसको कहते हैं डिस्पैशनेट। देखो अब आप देखो कहां आपके विचार आते हैं, आप सास होगी तो बहू के विचार, आप मां होगी तो बच्चे के विचार, आप बिजनेस पर्सन हो गए तो बिजनेस के विचार। देखो ध्यान से सुनना, और जब आप नोबडी कुछ भी नहीं हो, जैसे गहरी नींद में कर्राटे मारते उस समय हम कुछ भी नहीं होते तो एक भी विचार नहीं, तो अटैचमेंट और पैशन इसका सबका तात्पर्य मन की स्थिति है। देखो अब ये हमने आपको उदाहरण दिया था, हमारी परछाई को लेकर के हमारे मन में कितने विचार आते हैं? शून्य। तो दो बातें हो गई, जिसके बारे में विचार आते हैं उसको हमने सत्य स्वीकार किया है, दूसरी बात जिस वस्तु के बारे में जितना ज्यादा विचार आते हैं उसके प्रति हम आसक्त है। दो बातें हो गई, अब सब्जेक्टिव हो जाओ। जब हमारे मन में किसी वस्तु के बारे में विचार आते ही नहीं तो उस वस्तु को हमने सत्य स्वीकार नहीं किया, भले वो दिख रहा हो, भले उसका अनुभव आ रहा हो। देखो बहुत सिंपल बात है, और जितने ज्यादा विचार हो गए उतना ज्यादा हमने सत्य उस वस्तु को माना है, जितने कम विचार हो गए उतना उसको कम सत्य माना है। देखो तो जैसे जैसे हम इस पर चिंतन करेंगे तब पता चलेगा डिस्पैशन माने इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से उत्पन्न होने वाली जितनी अनुभूतियां है उन अनुभूतियों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, उसको कहते हैं डिस्पैशनेट। देखो तो जो इस प्रकार से अपने मन से दुनिया को हटा दिया है फिर उस मन को जिंदा रखना है, मारना नहीं है, तो किसका चिंतन करना है? यदि मन को बिजी नहीं रखोगे तो वो मन फिर आपको खाने को उठेगा, तो पहले मन को हेल्दी बना दिया, अनात्म विचारों का प्रभाव कम कर दिया, अब उसकी हेल्थ मेंटेन करनी है।
देखो रोग अपने आप आ जाते हैं, स्वास्थ्य को मेंटेन करना पड़ता है। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य यही है कि फिर हमारा मन इस दुनिया में ना भटके। तो हमको एक ही बात मालूम है, यदि मन को दुनिया में नहीं जाने देना तो सो जाओ। और कब तक सोओगे? तो फिर करना क्या? अब इस मन को प्रभु चिंतन में लगा दो। और प्रभु चिंतन में किस में लगाना है? कल हमने बताया था, समझा नहीं होगा, कल हमने बताया था प्रभु चिंतन में इसलिए लगाना है कि हमारा मन शुद्ध पवित्र हो जाए। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, जो भी हम कर रहे हैं उसके द्वारा अंतकरण शुद्ध होवे, और ये शुद्ध अंतकरण को एकाग्र करना है। एकाग्र करने के लिए ये मन को ट्रेनिंग देना है। तो भगवान का चिंतन करना माने हमारे हरेक अनुभूति में हमको परमात्मा का स्मरण होता है। देखो तुलसीदास जी के शब्द हम ऊपर ऊपर से पढ़ के बिल्कुल रट्टा लगा करके भूल जाते हैं, उसकी गहराई देखो। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। अब लोभी व्यक्ति को पैसा कैसा अच्छा लगता है? ऐसे थोड़ी है कि 8 से 9 बजे तक हम करप्शन करते बाद में नहीं करते, वो तो 24 घंटे 24/7। इसी प्रकार से जब हम अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने इंद्रियों को इन सब से हटा दिए, और हटाने के पश्चात अपने स्वरूप में बैठ लिए, तो अपना स्वरूप क्या है? ना तो मैं इसको समझ सकता हूं, ना तो इसको मैं ना समझ सकता हूं। देखो हमने एक उदाहरण दिया था आपको, हमने हमको पूछा किसी ने, स्वामी जी आप जानते हैं क्या आप वैसे ही दिखते हो जैसे स्वामी अनुभवानंद है? अब जब हमको पूछेगा कोई क्या आप स्वामी अनुभवानंद को जानते हो, हम क्या उत्तर दें? हां या ना? देखो तो हमने दोनों उत्तर दे दिए, हां ना। हां ना कैसे? क्योंकि हम है इसीलिए जानते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं जानते जैसे आप जानते हो अपने से अन्य के रूप में। देखो तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ऐसे उस परमात्मा को जानो कि तुम एव तद ब्रह्म, तुम्हारी ही बात हो रही है। ब्रह्म माने कोई चिड़िया नहीं ऊपर में। इसीलिए परमात्मा जीव बनता है, लेकिन जीव परमात्मा नहीं बन सकता। सागर लहर बनता है, लेकिन लहर सागर नहीं बन सकती। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। और जिसको इसका अनुभव हो जाता है वो इस जगत में उलझता नहीं, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। जैसे एक सुगंधित पुष्प होता है तो वो सुगंधित पुष्प अपने सुगंध से मैं लोगों के मन को प्रसन्न कर रहा हूं, इसीलिए मैं कृतकृत्य हो गया हूं, ऐसा भाव पुष्प के मन में नहीं आता, क्योंकि मैं ये कर रहा हूं उसमें मैं है ही नहीं। देखो इसीलिए यदि बनने से सुवे देती धर्मेवापि नूनम त्वं वित्त ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं अतनु देवा देवेषु। तुमने जो समझा है केवल इंद्रियों के संदर्भ से समझा है। यदि इंद्रियों को निकाल डालो तो, एक ने मुझे प्रश्न पूछा था अभी जयपुर की रिट्रीट में, स्वामी जी आप ये बताइए कि पंचकोशों का निराकरण कर दिया, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय सब कुछ निकाल दिया, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ निकाल दिया, तो कुछ भी नहीं बचता? हमने कहा जो कुछ नहीं बचता वही तुम हो, नाम कुछ भी दो आप। देखो जब तक के हम शब्दों के द्वारा वर्णन करना चाहते हैं तब तक के हम अभी ही दुनिया में फंसे हैं।
इसीलिए ज्ञानी लोगों के बारे में कहते जानन अपि मेधावी जड़वल लोकम आचरेत। इस स्वरूप में स्थित होने वाले महात्मा कभी भी बोलते नहीं और बोलेंगे भी ऐसी बोलेंगे उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, सब निरर्थक है। देखो इसीलिए करना क्या है ये बात समझ लो। अभी इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि का विषय न होने से परमात्मा के बारे में चिंतन नहीं किया जाता। फिर परमात्मा का चिंतन करो माने क्या, अनात्म चिंतन का अभाव हो जाए। यदि अनात्म चिंतन का अभाव हो गया तो मन सो जाएगा, तो मन को सोने भी नहीं देना है। तो फिर इस मन को भगवान के गुणगान चिंतन नाम स्मरण में लगा दो। और किस लिए लगाना है, टाइम पास करने के लिए। ऐसे नहीं कि भगवान हमने इतने बार भगवान का नाम लिया हमारे लड़के को नौकरी मिल जाए, मालूम है वो नालायक है लेकिन उसको मिल जाए। तो हमारी जो आधी दैविक उपासना होती है वो आधी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए होती है। ये भक्ति नहीं है महाराज, ये भक्ति है। देखो भगवान के भक्ति वो है जिसमें भगवान को छोड़ करके अन्य हम कुछ भी नहीं चाहिए। तब ये समझ में आता है कि हम उसी परमात्मा स्वरूप है। इसीलिए भगवान को कोई इच्छा नहीं। ध्यान से सुनना, उपनिषदों में तो ये आता है महाराज जी, सो कामयत बहुस्याम प्रजायेति स तपोतप्यत तपस्तप्त्वा इदगम सर्वम असृजत यदिदम किंच सच्चा सच्च भवत। उसने कामना करी सो कामयत बहुस्याम, मैं अनेक हो जाऊं, उसके लिए स तपोतप्यत उसने तपस्या करी। तो भगवान ने कामना करी तो ठीक है, और हम कामना करते तो बंधन में आ जाते। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है आपका। देखो हम कहते हैं ना हरि इच्छा से सब हो रहा है, तो हरि इच्छा करता है तो ठीक है और हमने इच्छा करी तो गलत है, ये कौन सा स्टैंडर्ड है। देखो महाराज ये बड़े सूक्ष्म तत्व है, इसको ऐसा समझ लो। नदी में पानी हिलता है, डुलता है, बहता है, दौड़ता है। समुद्र में भी पानी हिलता है, डुलता है, बहता है, दौड़ता है। दोनों में पानी ही है। अब दोनों के हिलने में क्या फर्क है। नदी के पानी को समुद्र में पहुंचने की आवश्यकता है, जब तक के वो समुद्र में नहीं पहुंचेगी तब तक के उसको शांति नहीं। और समुद्र में अपने परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है, समुद्र को कहीं पहुंचना नहीं है। फिर क्यों कूद रहा है, टाइम पास। ध्यान से सुनना, जब टाइम पास के लिए आप कुछ करो तो उसमें मैं पैदा नहीं होता। ठीक से समझ लेना, ये उदाहरण हमने कहीं दिया था। एक बार किसी के आम गए थे खाना खाने के लिए, और हमेशा कहते रहो टाइम से कोई देता नहीं खाना, स्वामी जी 10 मिनट लगेंगे, और ठीक है तू दूसरा कर ही क्या सकते, बाबा जी उन्हें गुस्सा तो नहीं कर सकते। अच्छा कोई बात नहीं अपना टाइम ले लो, लेकिन जरा आराम से करना जल्दी जल्दी। तो उसके पश्चात फिर वो मैं बोला ठीक है मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो मैंने ऐसा अखबार लिया, उनका एक पुत्र था 7-8 साल का, स्वामी जी अखबार मत पढ़ो, अब उसी के घर का खाना खाना है, उसको कैसे नाराज कर दे। ठीक है अखबार रख दिया। बोले हम लोग कैरम खेलेंगे। हमने कहा यार मुझे वो खेलना नहीं आता। बोले मैं तुमको सिखाऊंगा, अब क्या करें। तो कैरम रख दिया और वो खेलने में उस्ताद था, फटाफट ले रहा था, और मैंने कभी उसको खेला नहीं जिंदगी में। फिर बोले ऐसा करो ये करो फिर ठीक हो जाएगा, और हमारा हम लगाते इधर थे वो उधर जाता था। तो उसको लगा मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मैं भी कोई कच्चा नहीं था। फिर मैंने भारतवर्ष की जुगाड़ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। फिर उस बच्चे को पूछता मैं, हे ये फोटो किसका है यार, उधर दिखता 2-4 रख देता अंदर में।
देखो हमारे सिद्धांत बड़े सिंपल है, थेफ्ट इज नॉट ए क्राइम अनलेस यू आर कॉट। चोरी ये चोरी नहीं है जब तक कि वो सिद्ध ना हो। अपने पॉलिटिशियन से हमने यही सीखा है। तो एक बार किया, दो बार किया, उसने पकड़ लिया, फिर रोने लग गया, मम्मी स्वामी जी ने चीट। हमने कहा यार ऐसा मत करो, अब अगले बार अब नहीं करेंगे, और फिर से शुरू किया। और दूसरी बार शुरू किया तो वही टेक्निक हम उसके इसमें डालने लग गए ताकि वो जीत जाए। ऐसा हो ही रहा था तो उसकी माँ ने कहा, स्वामी जी खाना तैयार, चलो यार छोड़ो खाना खाते। बोले नहीं नहीं अब तो पूरा करना है, अब तो पूरा करना है। अब उस बच्चे के लिए जीतना और हारना एक इशू था, और मेरे लिए जब तक के खाना तैयार नहीं टाइम पास था। ये सिद्धांत भगवद गीता का है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जीवन में कुछ करो तो कभी हारोगे कभी जीतोगे, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी, कभी सुख होगा कभी दुख होगा, ये तो जीवन का नियम है। तो करना क्या है, समय कृत्वा अपने मन के संतुलन को मत बिगड़ने दो। मन का संतुलन बिगड़ता है जब मैं जीत गया तो फुदकने लग गए, मैं हार गया तो रोने लग गए, मुझे लाभ हुआ तो कूदने लग गए, मुझे हानि हो गया तो डिप्रेशन में चले गए, मुझे सुख हुआ तो कार्ड्स बांटे मेरी शादी है, मुझे दुख हुआ तो कार्ड नहीं बांटे मेरा डाइवोर्स है। देखो संतो, अपने जीवन में इस मैं को पैदा मत होने दो। जब मैं ही पैदा नहीं हुआ तो मुझे समझ में आया या मुझे समझ में नहीं आया, दोनों व्यर्थ है। क्योंकि समझने वाला और समझा गया, क्या ये दो है? यदि हम आपको प्रश्न पूछे क्या आप अपने को जानते हैं, क्या उत्तर देंगे, हां या ना? देखो संतो, इसीलिए ये जो जो अपने मन बुद्धि के गुलाम है ना, वो हर चीज को कंसेप्ट बनाना चाहते हैं, और कंसेप्ट बना करके दूसरों को बताएंगे, फट से करके लिख लिया, नोट किया, हाँ ये अच्छा विचार है, अगले बार किसी को रुबाब दिखाने के लिए। ये पेट भरने की विद्या नहीं है, ये किसी पर रुबाब दिखाने की विद्या नहीं है। एक बार हम लायंस क्लब में थे, पहले दिन का इंट्रोडक्शन हमारा कर दिया, और ये बंबई की बात है, एक गुजराती हमारा इंट्रोडक्शन करा रहा था। आज हमारे अध्यक्ष स्वामी जी महाराज आए हैं, और स्वामी जी से मैंने क्या नहीं सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया गीता में, मैंने उस महात्मा को कभी जिंदगी में नहीं देखा था, ठोक रहा है। और कहते हैं कि स्वामी जी ने गीता में बताया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, उन्होंने एक जैसे शेर मारते हैं वैसा श्लोक मार दिया, और तो श्लोक मारने के बाद सभी के सभी शेर बैठे हुए थे तालियां बजाने लग गए। अंधे नहीं बनी है माना यथा अंधा, अंधों की नगरी में काना राजा, जिसने कहा उसको भी पता नहीं क्या कहा, जो सुन रहे वो माशाल्लाह। तो सब कुछ होने के बाद हमने कहा कि महात्मा जी मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं था, आप कैसे कहते हो कि स्वामी जी मुझे सिखाया? बोले स्वामी जी आपको पता नहीं, ये कहना पड़ता है, तो मुझे वो सिखा रहे हैं, ठीक है कहो। अच्छा दूसरी बात, ये आपने जो कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ये तो गीताजी में नहीं है। नहीं है? अरे मुझे नहीं मालूम। आगे कहते हैं मुझे तो लगा सभी श्लोक गीता में ही होते हैं। अब मुझे बताओ, तो उन्होंने जो बीच में शेर मारा था वो क्या ज्ञान के लिए मारा था?
ये तो पब्लिक में अपना रुबाब जनाने के लिए। अरे गुप्ता जी तुम बड़ी गीता जानते हो यार, जानते हैं गीता उपनिषद, उपनिषद भी जानते हो, हाँ उपनिषद के साथ ब्रह्मसूत्र आ ही जाता, ब्रह्मसूत्र भी जानते हो। गुप्ता जी फूलने लग गए। देखो संतो, जितना आप अपने स्वरूप के पास जाओगे उतने आप शांत हो जाओगे। उदाहरण से देखो, ये यदि आप वो बड़ा जायंट व्हील होता है ना घूमने वाला यात्रा में बड़ा बड़ा, तो वहां उस पर बैठो और जब वो घूमता है तो कैसे पेट में होता है ओ, और जैसे जैसे उसके सरकमफेरेंस से हट करके सेंटर में आ जाओ, एकदम मध्यबिंदु में आ जाओ, तो आपको कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से जब तक हम अपने व्यक्तित्व के पेरिफेरी मर है, सरकमफेरेंस पर है, तब तक की ये दुनिया है। वहां से हट करके धीरे 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 ऐसे सेंटर पर आ जाओ जिसका कोई सरकमफेरेंस नहीं है। तो ऐसा सेंटर जो है वो हर जगह होता है, लेकिन इसको कोई भी सरकमफेरेंस नहीं होता। जिस सेंटर को सरकमफेरेंस होता है उसको ईगो कहते हैं, और ईगो क्या है, मुझे समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आया, दोनों ईगो है। जो कहता है मैं जानता हूं, उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न अन्यते, जो कहता है कि मैंने इसको मार दिया और जो सोचता है कि मुझे मारा गया, दोनों बेवकूफ है। ये तत्व को ना तो मारा जाता है ना तो ये तत्व किसी को मारता है, क्योंकि यहां अन्य की उपलब्धि नहीं। इसीलिए यहां जो बताया था, यन मनसा न मनुते ये न आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। इसका तात्पर्य, अज्ञात को हम ज्ञात के संदर्भ से ही लगा सकते हैं। देखो आप, देखो अपने जीवन में यही आता है, किसी को इंट्रोडक्शन करा देते ना, स्वामी जी ये अमुक अमुक है, ये अभी शिकागो से आए हैं, बड़े विद्वान है, बड़े सत्संगी है, क्योंकि उस व्यक्ति को हम जानते नहीं, तो कोई ना कोई संदर्भ देना पड़ेगा ना। कौन सा संदर्भ, जो हमको मालूम है, यदि हमको मालूम नहीं होता तो वो कहते ये अमुक अमुक है और ये ब्रह्मलोक से आए। ब्रह्मलोक से आए, ब्रह्मलोक मालूम ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है कहां से आए। देखो इसी प्रकार से हमको क्या मालूम है, जगत मालूम है, इंद्रिय मालूम है, मन मालूम है, बुद्धि मालूम है, तो कहते हैं ये जो मन में चिंतन करने की क्षमता जिसके कारण होती है वह ब्रह्म है। इसका तात्पर्य, यदि आप ब्रह्म में पहुंच गए तो मन और चिंतन दोनों खत्म हो जाएंगे। दोनों खत्म हो गए तो मैंने जाना मैंने नहीं जाना ये निरर्थक हो गया। देखो संतो, ये बहुत सूक्ष्म विचार है और इस पे टिक के रहने के लिए अपने मन को दुनिया से हटाना आवश्यक है। और मन को दुनिया से हटाने का एक ही तरीका है, प्रभु के गुण गाते जाओ, टाइम पास करते जाओ। भगवान का नाम कभी भी सकाम भाव से नहीं लेना चाहिए। स्पष्ट अपने आप को बताओ, माला खिली फिरा रहे, अरे यार टाइम पास हो जाता है ठीक से, बिल्कुल क्लियर, टाइम पास के सिवा और कुछ नहीं करना है जीवन में। हम जब टाइम पास कर कहते हैं ना, तो हमको लोग कहते हैं आप बहुत लाइटली बोलते हो, सत्य की बात ठीक नहीं करते हो। यही बात संस्कृत में कहे तो ठीक हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु जी को पूछा गया था कि आप भगवान का नाम क्यों लेते हैं, तो उन्होंने संस्कृत में कहा था, कालक्षेपणार्थम, माने टाइम पासार्थम। तो जब उन्होंने संस्कृत में कहा तो वो शास्त्र बन जाते हैं, और अंग्रेजी में कहो तो गाली बन जाती है। देखो संतो, ये जो टाइम पास का सिद्धांत आप जीवन में ले लो, आप इसी क्षण मुक्त हो गए। पूजा किस लिए करते हैं, टाइम पास हो जाता है,
वॉक लिए किसी जाते हैं तो पैर खुल जाते हैं और टाइम पास हो जाता है। कुछ लेना नहीं दुनिया से और दुनिया को कुछ देना भी नहीं। ये तो आदमी में हो जाता, मैंने ये दिया मैंने वो दिया। देखो ये जो लेने देने का धंधा है ये सब संसार में फंसने का धंधा है। देखो इसीलिए इस तत्व के चिंतन में लगे रहना और लगे रहने के बाद भी कोई मन में संकल्प संदेह संशय नहीं आना, ये दोनों की आवश्यकता है। तो यदि मन्ने से सुवेदेति धर्मेवापि नूनं त्वं विद्ध ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं द्वेवे देवेषु अथनु मीमांसमेवते अथनु मीमांसमेवते। तो अब गुरु महाराज कहते हैं अरे यार जरा चिंतन करो, ये मत कहना हाँ हाँ ठीक समझ में आया। क्या समझ में आया? जब बताया तुमको कि ये समझ का विषय नहीं है तो तुमको किसे समझ में आया? हमको लगा आप कहेंगे अच्छा है तुम विद्यार्थी, कुछ नहीं अच्छा विच्छा जाओ। देखो अथनु मीमांसमेवते, मीमांसा करो चिंतन करो। जब गुरु महाराज कहते हैं कि यह इंद्रियों का विषय नहीं, कर्मेंद्रियों का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, तो आप जब शांत बैठते हो तो क्या कर रहे हो? हम ध्यान के लिए बैठे, आंखें बंद करके और एक दिव्य प्रकाश आ गया आंखों का विषय। हम ध्यान करने के लिए बैठे, एकदम शहनाई की आवाज आ गई बिस्मिल्ला खान की, श्रवण शक्ति का विषय। हम ध्यान के लिए बैठे, एकदम बेगोन स्प्रे की स्मेल आ गई, आहा नाक का विषय। हम ध्यान के लिए बैठे, आहा इतना अच्छा लगा। कई बार कहते हैं लोग स्वामी जी कल का ध्यान अच्छा लगा था, आज का अच्छा नहीं लगा। नहीं उसमें नमक थोड़ा कम था इसलिए, डाल लेते ना। देखो महाराज यह ध्यान भोग का विषय नहीं है, ध्यान अच्छा बुरा नहीं होता, जैसे आकाश अच्छा बुरा नहीं होता। ये तो हम लोग कहते दक्षिण बाजू खराब उत्तर बाजू अच्छी। देखो जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ जाती है ना, तब देखेंगे आप ये सब इंद्रिय मन बुद्धि से हट गए। तो ध्यान को बैठने के पश्चात, ध्यान को बैठने के पहले भी हम थे, अब भी हम बैठे हैं, ध्यान टूट गया तो भी हम ज्यों के त्यों हैं। माने हम प्रारंभ नहीं हुए, हमारा मध्य नहीं है, हमारा अंत नहीं होता और हम में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए हमारा कभी अभाव नहीं। यह नित्य उपलब्ध अपना जो स्वरूप है वो अपनी असलियत है। अब ध्यान से सुनो, यदि कोई आदमी 10 बार बताए लोगों को, मालूम है मैं आदमी हूं औरत नहीं हूं रे बाबा, मैं तो आदमी हूं, देखो मुझे दाढ़ी आ गई है ना इसलिए मैं आदमी हूं, मैं औरत नहीं हूं, 25 बार आप कहोगे तो लोग डाउट करेंगे ना ये क्यों कह रहा है, हमने तो इसको नहीं कहा था कि तू औरत है करके, क्यों ये 10 बार कह रहा है। इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है वो नहीं कहते डू यू नो आई एम रियलाइज, वो क्या मालूम है अपना रियलाइजेशन हो गया है, अरे किसने पूछा? कितने बार हम अनावश्यक उत्तर देते हैं, उसकी किसी ने पूछा भी नहीं फिर भी बोल देते हैं। हमने उस दिन आपको उदाहरण दिया था, बद्रीनाथ में हम चाय पी रहे थे, हमारे सत्य साई बाबा के ग्रुप के साथ बैठे थे, 4-6 लोग थे, पिछले साल की बात है। तो हम बैठ के चाय पी रहे थे, उतने में एक सज्जन आए कहीं से टपके, पता नहीं कौन है क्या है, आकर के अपने बारे में बोलना शुरू कर दिया। अरे स्वामी जी आप यहाँ कैसे, मैं आपको हमेशा सुनता हूँ, मेरी पत्नी आजकल वहाँ गई हुई, मेरे दोनों बच्चे अमेरिका में हैं, मैं अकेला हूँ यहाँ इसलिए आ गया हूँ, लेकिन अभी मैं जल्दी में हूँ जाता हूँ। किसने पूछा, किसको बता रहे?
इसी प्रकार से डू यू नो रियलाइज हो गए। अब तो बोर हो रहे यार, जब तक रियलाइज नहीं थे तब तक ठीक था। ऐसा नहीं होता संतो, इसीलिए अथनो मीमांसमेवते, इसका चिंतन करो कि हम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, हमने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है। तो क्या होगा, बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि अन्य है ही नहीं बोलने के लिए, किसके साथ बात करेंगे, विषय भी नहीं है कोई, किस विषय पर बात करेंगे। देखो इस पर चिंतन करते रहो, हम जब भी बोलते हैं तो अन्य के बारे में बोलते हैं, हम जब भी बोलते हैं अन्य से अपने भूतकाल के बारे में बोलते हैं, हम जब भी बोलते हैं अपने से तो अपने भविष्यकाल की चिंता करते हैं। देखो ये सब बातें सूक्ष्मता से प्रकट होती है अंतकरण में। एक सज्जन हमको मिले, स्वामी जी अरे आप यहां कैसे आ गए, कुछ बताइए अपने बारे में। तो मैंने बोला मुझे कुछ बताना नहीं, मैं जप करता हूं तो मेरे जप के समय मैं कुछ ये नहीं करता बोलता नहीं, तो आप बताइए। अब उसने शुरू कर दिया, घंटे भर दो घंटे बोलता गया। आखिर में फिर मेरे बच्चों ने कहा यहां आप चले जाओ, तो मैं इसमें आ गया। फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, वर्तमान में आप रहो, आपके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। दूसरी बात, अपने आप से बोलना बंद कर दो। ये दो बातों का सिंसियरली प्रयत्न करो, आपका मन चैतन्य में वैसा ही घुल जाएगा जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में। चीनी को जब मिलाते हैं पानी में तो चम्मच से हिलाना पड़ता है, बर्फ को पानी में मिलाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वहां ना आवाज आती है ना कुछ होता है। कैसे शांत होकर के अपने मैं को, बर्फ का मैं क्या है, नाम रूप, हमारा मैं क्या है, मैं स्त्री मैं पुरुष मैं जवान मैं बूढ़ा मैं इंटेलिजेंट मैं बेवकूफ, ये जो हमारी विशेषता है, जैसे बर्फ की विशेषता है नाम रूप, हमारी विशेषता है व्यक्तित्व। तो जैसे बर्फ का नाम रूप पानी में घुल जाता है, इसी प्रकार से अपना व्यक्तित्व इस चैतन्य में ब्रह्म में घुल जाता है, फिर ना हमको कुछ कहना है ना कुछ नहीं कहना है। अतनु मीमांसमेवते, इस प्रकार से मीमांसा करो, चिंतन करो। तो जब विद्यार्थी ने ऐसा चिंतन किया तब उसने कहा फिर से मन ने विदितम, गुरु महाराज अब मैं कहता हूं मुझे समझ में आ गया, पहले कहा था मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया तो डांट पड़ी, अब कहता है मन ने विदितम अब मुझे ठीक से समझ में आ गया, और फिर भी गुरु महाराज उसको कुछ नहीं कहते। तो कैसे समझ में आ गया, अब ये शिष्य के शब्दों में शिष्य स्वयं कहता है, पेज नंबर 68 दो मंत्र नंबर 2, ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेदच, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। न अहम मन्ने सुवेद इति, मैं ये नहीं कहता गुरु महाराज कि मुझे अच्छी तरह से समझ में आया, न अहम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, लेकिन इसका अर्थ ये मत करना कि मुझे समझ में नहीं आया, समझ में आया है। देखो
गुरु महाराज मैं ये नहीं कहता कि मुझे ठीक से समझ में आया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया, समझ में आया है। क्या समझ में आया है? योनस्तद्वेद तद्वेद नोन वेदेति वेदच। ये समझ में आया कि जिसको ये समझ में आता नहीं ऐसे समझ में आता है उसी को ये समझ में आता है, समझे? गुरु महाराज खुश, चेला जी जिंदाबाद। यही समझ है, ये समझ का विषय नहीं है। देखो अपना मन डिसॉल्व हो जाता है, इस मन में कुछ नहीं रहता। योनस तद्वेद तद्वेद, इस प्रकार से हम में उस परमात्मा को जो इस प्रकार से जानता है कि परमात्मा ना तो इंद्रियों का विषय है, ना तो कर्मेंद्रिय का, ना तो मन का, ना तो बुद्धि का, लेकिन वो है। और वो अपना होना यह प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। प्रमाण निरपेक्ष माने क्या? आप बड़ी क्लिष्ट हिंदी बोलते महाराज। प्रमाण निरपेक्ष माने रूप रंग को देखने के लिए आंखें प्रमाण है, शब्द को सुनने के लिए कान प्रमाण है। प्रमाण निरपेक्ष माने बिना किसी प्रमाण से हमारा होना सिद्ध होता है। यदि कोई बड़ा डॉक्टर आकर के आपको बतावे कि आप नहीं हो, तो विल यू एक्सेप्ट इट? हमारे होने के लिए हमारे किसी अन्य के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। अनलेस यू आर ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एंड वॉन्ट योर पेंशन, बैंक में चले जाओ, कौन हो? गुप्ता जी, हाँ तुम्हारा सर्टिफिकेट कहाँ है? लिविंग सर्टिफिकेट। अरे यार मैं जिंदा हूं ना, उसका महत्व नहीं, सर्टिफिकेट दिखाओ। सर्टिफिकेट लिखा होगा ये मुर्दा जिंदा है। हाँ ठीक है। देखो महाराज, अपने आप को सिद्ध करने की ना तो आवश्यकता है ना तो संभावना है। देखो इस पर ट्राई करो दो क्षण के लिए। अपना होना मात्र, यह जो होना है सभी इंद्रिय काम कर रहे हैं, लेकिन अपना होना इंद्रियों के कारण सिद्ध नहीं हुआ। हमारे कारण इंद्रियों की सत्ता है, इंद्रियों के कारण हमारी सत्ता नहीं है। हमारे कारण देह की सत्ता है, देह के कारण हमारी सत्ता नहीं है। देखो विषयों की सत्ता इंद्रियों के कारण, इंद्रियों की सत्ता मन के कारण, मन की सत्ता चैतन्य के कारण। इसीलिए जब इंद्रियों को हटा, विषयों को हटा लो, इंद्रियों की कोई हानि नहीं। इंद्रियों को बंद करो, मन की कोई हानि नहीं। मन को सुला दो, चैतन्य की कोई हानि नहीं। यही सब साधना है। पहले विषयों से मुक्ति पा लेना है। जगत के किसी वस्तु विषय व्यक्ति देश काल परिस्थिति इस पर परावलंबन छोड़ दो। जब विषय से उपरत हो जाएंगे फिर इंद्रियों में आ जाएंगे। देखो खाने के लिए ऐसा चाहिए, पहनने के लिए ऐसा चाहिए, सोंगने के लिए ऐसा चाहिए, इंद्रियों के नखरे। फिर इंद्रियों को चुप करा दो, फिर मन में आ गए। मन में पुरानी आदि आती है, चुप, नो नीड टू टॉक। और जब मन सहज रूप से बिना किसी प्रयत्न से शांत रहने लग जाता है, तब इस मन में यह भाव उदित होता है कि चाहे विषय इंद्रिय
या मन रहे ना रहे, हमारी सत्ता में कोई खोट नहीं। लेकिन यदि मैं नहीं तो बुद्धि नहीं, मैं नहीं तो मन नहीं, मैं नहीं तो इंद्रिय नहीं, मैं नहीं तो विषय नहीं, मैं नहीं तो दुनिया नहीं, मैं नहीं तो पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। इस सब का आधार जो एक तत्व है, इसको आत्मरूप से स्वीकार करना है। ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। तो इसको हमें, हमको जानना नहीं है, पहचानना है। जानोगे तो वहां जानने वाला पैदा होगा, पहचानोगे तो पहचान हो गई, वहां पहचानने वाला पैदा नहीं होता। देखो, इसीलिए इस तत्व को जानना माने उसको जानना नहीं, ये समझ में आ जाना, और इसी को कहते हैं जानना। यह सिद्धांत इस उपनिषद का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। तृतीय मंत्र जो 73वें पेज नंबर पर है, उसमें ये सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। यस्य अमतम तस्य मतम, जिसने इसको नहीं जाना उसी ने उसको जाना है। मतम यस्य न वेद सहा, जो कहता है मैंने जाना है उसने उसको नहीं जाना। कारण क्या है? अविज्ञातम विजानताम, जो इसको जानते हैं उनके लिए वो अविज्ञात है, वो उन्होंने जाना नहीं। और जो कहते हैं मैंने जाना है विज्ञातम अविजानताम, उन्होंने कभी नहीं जाना। कारण क्या है? ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विचार है। किसी भी ज्ञान की निष्पत्ति में ज्ञाता का होना आवश्यक है। फिर से हम बताते हैं, ये सब बातें संतों जानने जैसी होती है, बाहर की बातें। एक बार मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी भगवद गीता में धृतराष्ट्र का एक श्लोक है, फिर अर्जुन के कितने हैं, संजय के कितने हैं, भगवान कृष्ण के कितने श्लोक हैं? तो मैंने एक महा उत्तर सीख लिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी वो जो श्रावण जी थे, उन्होंने अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराई थी, उनके माँ बाप का नाम क्या था? मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? बोले मेरी माँ का नाम मोनिका है और मेरे पापा का नाम डब्बू है। मैंने वही उनका नाम था, क्योंकि तुम श्रावण के जैसे श्रेष्ठ हो। इससे क्या निकलता है? भगवद गीता कितने साल पहले कही थी? क्या हम भगवद गीता को सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? भगवान कृष्ण यू आर हियर बाय अवॉर्डेड भारत रत्न। ये अनावश्यक बातों में मत फंसो, कुछ निकलता नहीं उसमें से। देखो, इसीलिए जिन्होंने इसको जाना है उन्होंने नहीं जाना, जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने जाना है। अब ये जानना नहीं जानना, इसका चक्कर क्या है, आप ठीक से समझ लेना। यह पुस्तक है, यदि ये ज्ञान, इसको मैं जानता हूं, माने जानने वाले से अलग होकर के यह ज्ञान यदि रह सकता तो क्या होगा? ये पुस्तक है, ये ज्ञान हो गया, ये माइक है, ये भी ज्ञान हो गया। ये दोनों एक दूसरे को जानेंगे क्या? दूसरा ले लो उदाहरण, दो चार कुर्सियां है और उधर से एक आदमी आ रहा मोटू बैठने के लिए, पहली कुर्सी कहेगी यार मैं तो नहीं खड़ी रहती, मैं भाग जाती हूं। नहीं, तो किसी भी ज्ञान के निष्पत्ति में ज्ञाता का जन्म होना आवश्यक है। तो यह पुस्तक है, पहली बात।
दूसरी बात, इसको मैं जानता हूं, मैंने जानने के बाद ही यह पुस्तक है, यह ज्ञान निर्माण हुआ। देखो तो सिद्धांत क्या हुआ, जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण होता है यह बौद्धिक प्रत्यय है, और जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता वह ब्रह्म ज्ञान है। देखो हम लोगों को किसका ज्ञान ही मालूम है, खाना बनाने का ज्ञान, गाड़ी चलाने का ज्ञान, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान, ये काका को छोड़ दो, ज्ञान मात्र। तो जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता वह ब्रह्म ज्ञान, जिस ज्ञान जिस भोग में भोक्ता निर्माण नहीं होता वह ब्रह्म ज्ञान, जिस कर्म में कर्ता निर्माण नहीं होता वह ब्रह्म ज्ञान। तो डाइजेशन जो है वह ब्रह्म है। मैंने एकादशी के दिन चावल खा गया, पाप हो गया, अब क्या है, नरक में जाओ नॉनस्टॉप, क्योंकि मैंने खाया, खाने में मैं खाने वाला पैदा हो गया था, लेकिन पेट में खाना जाने के पश्चात मैंने डाइजेस्ट किया, ये भाव निर्माण नहीं होता। तो पूरी की पूरी साधना क्या हो गई, वह क्रिया जिसमें कर्ता निर्माण नहीं होता, वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता निर्माण नहीं होता, वह भोग जिसमें भोक्ता निर्माण नहीं होता, यह कर्ता ज्ञाता भोक्ता रहित जो अनुभव है वो अपना स्वरूप है। इसको समझने का प्रयत्न करोगे, समझ में आ गया। यदि मन ने से सुवे देती दहरमेवा नूनम त्वम वित्त ब्रह्मण रूपम, तुमने खाक समझा है। अब देखो इस सब में परमात्मा क्या है अभी तक नहीं बताया, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। देखो जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ जाती है ना जीवन की, तब वो ऐसा अनुभव है जैसे साधु संत कहते गूंगे को गुड़ की गुड़ का स्वाद, स्वाद तो ले सकती है रसना लेकिन वो बोल नहीं सकती, तो वो स्वाद लेगा रसगुल्ले का लेकिन बोलेगा नहीं। और जिसकी लंबी जवान है वो खाएगा, ऐसी तारीफ करेगा, यार ये रसगुल्ला ऐसा रसगुल्ला तो ब्रह्मा जी भी नहीं खाया उन्होंने, हमारे यहां का रसगुल्ला पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है, पूरे रसगुल्ले पर एक रसगुल्लायण लिख देंगे। देखो और जो गूंगा है वो खाके चुप हो जाएगा, क्यों बोलना ही नहीं है, किसी को बताना थोड़ी है, पता है यार आजकल ब्रह्म ज्ञान हो गया है, तुम्हारा क्या हाल है, अभी तो नहीं हुआ, ये तो बड़ा रेयर होता है, सबको नहीं होता है। देखो ऐसे ही ये भगवान का दर्शन करने वालों का हाल है, मैं तो हमारे गुरु भगवान के साथ 40 साल रहा हूं, लेकिन लोग समझते नहीं। देखो हाँ लोग यही समझते हैं, इतने साल उनके साथ तुम रहे लेकिन पत्थर के पत्थर ही, कोई फर्क ही नहीं पड़ा तुम। देखो भगवान का दर्शन होना कोई ग्रेट बात नहीं है, ग्रेट बात है हम में परिवर्तन आया कि नहीं, नहीं तो हम भगवान को बदनाम करेंगे जैसे ध्रुव जी ने किया था। भगवान का दर्शन हो गया फिर भी सबको मारने पर तुले थे, क्या जरूरत है इसे भगवान के दर्शन की। दर्शन होता है जैसे प्रहलाद जी को हुआ था, भगवान मेरे मन में कहीं एक हाथ भी इच्छा रह गई हो उसको भी मिटा डालो। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। परमात्मा की उपलब्धि माने इच्छा का अभाव।
एक भी इच्छा मन में ना बची रहे। देखो संतो, कोई भी इच्छा ले लो आप, और सबसे बुरी इच्छा होती है अच्छा करने की, दुनिया को खुश करना है, दुनिया का भला करना है, अपना तो सत्यानाश करके रख दिया लेकिन तसल्ली नहीं हुई दूसरे का करना है। अपना सत्यानाश कैसे किया? बचपन से हमने रामायण का पाठ किया है, बचपन से हमने गीता पढ़ी है, लेकिन पता नहीं लोग समझते नहीं। अरे महाराज, पढ़ा तुमने है, लोग कैसे समझेंगे? तुमको समझना चाहिए ना। देखो कई वयस्क लोगों का यही चक्कर है, कहते आजकल के जवान बच्चे समझते नहीं है, हमने गीता पढ़ी है, हमने उपनिषद पढ़ा है, लेकिन तुम्हारे जीवन में तो कोई उतरता नहीं ना। देखो परिवर्तन अपने में आना है, इसीलिए जो कहते हैं यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह विज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। तो जिसको ये तत्व अनुभव होता है वो नहीं कहता कि मुझे मालूम हो गया, जिसको नहीं मालूम होता वही फुदकता है। अपना तो बाबा रियलाइजेशन हो गया। 28 नवंबर 1952 में मुझे भगवान का दर्शन हो गया। अब क्या करें, उस आश्रम में 28 नवंबर एक बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं। महाराज जी को भगवान के दर्शन हो गए थे, उसके बाद होते ही नहीं। देखो भगवान का दर्शन यह इंद्रियों का विषय नहीं है, जैसे नदी समुद्र के तरफ दौड़ती है तो उसको कुछ पाना है, वही नदी समुद्र में मिल गई तो उसको कुछ पाना नहीं है। पाना भले ना हो लेकिन क्या हो जाता है, यथा नद्यः संदमाना समुद्रम अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जैसे नदी समुद्र में गई तो उसका नाम रूप दोनों गायब हो गया, लेकिन फिर भी पानी का बहना, पानी का कूदना, खेलना सब जारी है, लेकिन उसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है। पहले गंगा जी थी, फिर गंगा सागर बना, फिर गंगा भी नहीं सागर भी नहीं बंगाली आ गया। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना, तो अध्यात्म का तात्पर्य, गॉड रियलाइजेशन का तात्पर्य अपने मैं को पूरी तरह से मिटा देना है। जिसमें मैं बचा रहता है वो अध्यात्म नहीं है। देखो नहीं तो अन्य को व्यक्ति को फिर अपने ही नाम रूप का भ्रम चढ़ते रहता है, मैंने इतना अच्छा किया, मैंने उच्चा अच्छा किया, कोई किसी का अच्छा नहीं करता। देखो हमारे सिद्धांत एकदम क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है उसमें। कहीं गुरु शिष्य का चक्कर ले लो, गुरु शिष्य के चक्कर में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं। जब तक के शिष्य बदलना नहीं चाहे गुरु कुछ नहीं कर सकता। हम भले कहे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, काहे का जगत गुरु, दुर्योधन दुशासन उनको कहां बदल सके भगवान कृष्ण। कोई भी अपने पीछे लगा लेता है जगत गुरु शंकराचार्य, दर्जनों पड़े हुए हैं। देखो संतो, इससे कुछ नहीं होता, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है, और स्वरूप में निष्ठा माने अपने व्यक्तित्व को मिटा देना है, और वहीं से अब परमात्मा की अभिव्यक्ति होनी है। जब अभिव्यक्ति होती है तो महात्मा, जब व्यक्ति होती है तो सीज आत्मा। सीज आत्मा क्या होगा, अपने गाने को दाद देने वाले चाहिए। यदि दाद नहीं दोगे तो मैं खुजली करूंगा। देखो तो इसीलिए
यह जो तत्व है बड़ा सूक्ष्म है, इसको किसी को बताने के लिए नहीं है, यह अपना अनुभव है और उसी में आदमी आराम से रहता है। अब इस स्वरूप में प्राप्ति होने के लिए क्या करना चाहिए? चौथा मंत्र पेज नंबर 78, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। इस मंत्र में बताते हैं प्रतिबोध विदितम मतम, हमारे हरेक अनुभूति में परमात्मा प्रकट होते हैं, प्रतिबोध हरेक अनुभूति में, बिना परमात्मा के एक भी अनुभूति संभव नहीं है। प्रतिबोध विदितम, ऐसे नहीं है मुझे भगवान का अनुभव हो गया, नहीं नहीं, हरेक अनुभव में भगवान होते हैं। देखो दूसरी चक्कर में पड़ोगे, पता नहीं मुझे कब होंगे भगवान के दर्शन, कब होंगे भगवान के दर्शन। एक सज्जन थे बड़े अन्नदान करने वाले, उन्होंने नियम ले लिया, जब तक के किसी को खाना नहीं खिलाऊंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो रोज किसी ना किसी को खाना खिलाते थे। एक दिन भगवान ने सोचा है इनकी जरा इनको जरा टिकल करे तो उन्होंने किसी को उनके यहाँ खाने को जाने ही नहीं दिया। एक दिन निकल गया सेठ जी बिना खाने के बैठे हैं, दूसरा दिन निकल गया सेठ जी बिना खाने के बैठे हैं, तीसरा दिन निकल गया सेठ जी परेशान, भगवान किसी को भेज दो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मैं किसी को खाना खिलाए बगैर खाना नहीं खाता हूं, ये मेरा व्रत है। भगवान ने सोचा जरा इसको चाबी भरते। चौथे दिन एक और मस्तराम फक्कड़ महात्मा पहुंच गए, हाँ आज आ गए, बहुत बड़े आइए बैठी बैठी खाना परोस दिया। और महात्मा जी ने अपने अस्तन ऊपर करी खाने को लग रहे, बोले रुको 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 भगवान को भोग नहीं चढ़ाओगे? बोले मैं नहीं चढ़ाता भगवान को भोग, मैं खाता हूं। बोले भगवान को भोग नहीं चढ़ाओगे तो नहीं खाओगे? लो तुम्हारा खाना मैं जा रहा हूं, चलेंगे। फिर सेठ जी भूखे, अब क्या करे? फिर रात को भगवान आपने भेज तो दिया था किसी को, लेकिन वो कैसा था? आपको बिना भोग लगा ही खा रहा था। भगवान ने कहा अरे बेवकूफ वो मैं ही था। देखो हम भगवान को अपने डिजाइन में चाहते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे हम अपने घर में कैसे भी रहे, हम डाइनिंग टेबल पर बेडिंग सूट पहन करके पड़े, हु कैन चैलेंज? हम अपने बेडरूम में सोते समय वेडिंग सूट पहन करके सोए, हु कैन चैलेंज? इसी प्रकार से प्रभु अपने दुनिया में कोई भी भेष पहन के कहीं भी कब भी आ जाए, हु आर वी टू चैलेंज हिम? लेकिन हमको एक डिजाइन चाहिए, उस डिजाइन में होगा तो भगवान है, उसमें नहीं होगा तो भगवान नहीं है। प्रतिबोध विदितम मतम, इसके और पहलू कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।